हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अभी शाम का टाइम है, मैंने शाम के टाइम से वीडियो स्टार्ट किया अपना। तो बस अभी मैंने चाय बनाई है और थोड़ा सा मैं अपना घर संभालूंगी जो फैला हुआ है, और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। आज मैंने खाने में छोले भिगो रखे थे, दोपहर में भिगो दिए थे माँ ने, तो छोले बनाऊंगी आज मैं रात का खाना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फिर मैं अपना घर संभालती हूँ और झाड़ू लगा लेती हूँ। शाम की मोटर चला दी है, पानी आया हुआ है। शाम के टाइम पानी 5-5:30 बजे आ जाता है। आज सुबह नाश्ता लेट किया था तो फिर भूख भी लेट लगी। और गुड्डू अभी शाम के टाइम कह रहा मम्मी चूरमा बना दो, तो मैं देखूंगी या तो चूरमा बनाऊंगी या फिर ये चाय के साथ घी रोटी भी खा लेते हैं, टेस्टी लगती है घी रोटी चाय के साथ। तो अभी चाय बनाने का भी टाइम हो रहा तो मैं गुड्डू से कह रही थी या तो चूरमा बना दूं खाना हो तो, या फिर मैं घी रोटी बना दूं। तो फिर बाद में गुड्डू ने कहा कि नहीं मैं चूरमा नहीं खा रहा, आप घी रोटी दे दो मुझे। फिर इनका ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा बाद में, अभी तो ये काम कर रहे है, अभी तो 5:30-6 हुए होंगे। तो बस यहाँ भी सामान धीरे धीरे जो जमा हो जाता वो सब उठा के मैं रख दूंगी। गुड्डू का मास्क रखा था एक, वो मैंने दरवाजे में लगा दिया। दरवाजे में ये जो कुंडी रहती है इसी में लगा देते हैं ना, कहीं से भी आते हैं तो फिर यही जगह दिखाई देती है, या तो जीने की जो ग्रिल है वहीं टंगे रहते हैं या फिर दरवाजे में यहाँ पे लगा देते हैं, और जब जाते हैं तो यहीं से ले लेते हैं, फिर बच्चे कहीं कहीं फेंक देते हैं, इसलिए मैं यहाँ सामने लगा के रखती हूँ। तो बस खाना वाना सब बना लिया मैंने रात का, और इसके पापा आइसक्रीम लेके आए थे। गुड्डू नीचे दरवाजा बंद करके आ गया था, फिर ये खोलने गया था। आज बहुत दिन बाद ऑफिस गए थे ये, अब धीरे धीरे बीच बीच में जाना होगा। तो अभी ऑफिस से आए थे तो हमने किसी ने भी खाना नहीं खाया था कि आएंगे तो हम सब इकट्ठे खा लेंगे। तो अब मैं सबका खाना डालूंगी। तो बस मैं इनको पूछ रही थी चाय पीनी है या मैं खाना डाल दूं, तो अभी लेट ज्यादा हो रहे थे तो रात का टाइम है, ये कह रहे चाय का टाइम नहीं है मैं खाना ही खा लूंगा, तो फिर मैंने चाय नहीं बनाई। और मैंने छोले के साथ चावल बनाने वाली थी मैं, लेकिन बनाए नहीं, फिर मैंने छोले और रोटी बनाई। सब्जी मेरी बन गई है और रोटी भी मैंने बना के रख दी, बस रोटी अभी सेक के दे दूंगी गर्म करके। तो अभी सुबह का टाइम है, रात को मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी तो मैंने अभी कैमरा ऑन किया है। तो अभी सुबह के 10 बजे होंगे तो मैं अभी सुबह का काम सारा अपना फिनिश करूंगी। और गुड़िया की पीटीएम थी आज, इसने क्लास नहीं ली अपनी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट। देख लो बच्चों को कैसे नीचे फेंका जा रहा है, वीडियो के लिए। वीडियो के लिए नहीं, काम के लिए, काम का ही तो वीडियो के लिए। वीडियो के लिए बालकों को कैसे फेंका जा रहा है गुड़िया कह रही है। कबाड़ी को दे दो बालक ना गुड़िया। सुबह के काम मैं अपने निपटा रही हूँ, तो मैंने ये वाला रूम साफ कर दिया और बेड की चद्दर ठीक करके लगा दी। अभी मैं आई हूँ किचन में, तो किचन को भी अच्छे से साफ करूंगी पहले, और जो काउंटर टॉप पे फैला हुआ वो सब हटा दूंगी। और ये सुबह नाश्ते में इन्होंने कटवाए थे तो खाए नहीं। बाहर जा, खीरे इन दिनों के अच्छे भी नहीं आ रहे ना, सीजन के नहीं है तो टेस्टी भी नहीं लगते, तो फिर ये बच गए थे जो मैंने फेंक दिए। और इसमें छोले की सब्जी रखी है, पलट के मुझे कढ़ाई भी धोनी है। इसमें ही मैंने छोले की सब्जी उबाल के रख दी थी, कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि अब तो थोड़ी सी गर्मी होने लगी ना, सुबह शाम ही हल्की सी ठंड होती है और रात को तो पंखा चलाते हैं तो ठंड तो है ही नहीं। गर्म कपड़े या शॉल वगैरह सब छोड़ दिए सबने पहनने, अब तो ऐसे ही रहते हैं जैसे गर्मियों में रहते हैं। तो बस अब मैंने किचन में झाड़ू लगा ली। सबसे पहले मैं किचन में झाड़ू लगाती हूँ, इसका कूड़ा क्योंकि आगे आ जाता ना, फिर दोनों कमरों में लगा देती हूँ, सारा इकट्ठा करके ले जाती हूँ फिर मैं बाहर। तो इसलिए मैं किचन संभाल के पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ, और नीचे से भी मुझे किचन अभी साफ करनी है, एक दो दिन में करूंगी मैं साफ, आप लोगों को दिखाऊंगी।
गुड़िया की आज पेटीएम थी तो ऑनलाइन ही थी इनकी, मैंने नहीं ली, इन्होंने ले ली। गुड़िया के पापा और गुड़िया बैठ गए थे तो इन दोनों ने ले ली। मैं अपना काम करने लग गई थी क्योंकि सुबह सुबह हमारे अपने बहुत काम हो जाते हैं ना, सबका नाश्ता बनाना और झाड़ू पोछा बर्तन सब। तो फिर मैंने कहा आप दोनों ले लो, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ जब तक। और आज ग्रोसरी भी लेके आना, तो अभी सारा काम खत्म करूंगी फिर हम दोनों जाएंगे। तो मैंने पायदान पहले सारे रास्ते में से हटा दिए क्योंकि झाड़ू लगाऊंगी ना, तो फिर सारी चीजें अपनी जगह पे रख देते हैं तो सही लगता है। फिर रास्ते में पायदान आते तो उस पर फिर डस्ट जमता है, तो मैं पहले हटा देती हूँ ये सब चीजें। और बाहर जूते चप्पल इतने निकले होते हैं वो सब भी मैंने सारे एक साइड में इकट्ठे करके और रख दिए। रैक भी मुझे साफ करना है, बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं। और जो ना पहनने के वो भी मुझे निकालने हैं, तो वो सब भी मुझे साफ करके और दोबारा सेट करके रखना पड़ेगा, जिन्हें में बहुत ज्यादा फैला फैला हो रहा है। साइड वाले कमरे में मार बैठे तो मैं इस वाले कमरे में नहीं लगाऊंगी झाड़ू। सुबह माँ ने एक बार अपने वाले रूम में लगा ली थी तो फिर मैंने ये वाला छोड़ दिया, साफ था, तो मैं बस गैलरी में लगा दूंगी पूरे में। और सारे बर्तन इकट्ठे करके सिंक में मैंने रख दिए थे खाली करके, अभी झाड़ू लगा के और फिर बर्तन धोऊंगी क्योंकि पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर बर्तन धो लेती हूँ, तो वो तो साइड में रहते हैं, वो ज्यादा दिखाई नहीं देते। सबसे पहले सुबह के टाइम झाड़ू लगानी चाहिए, तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं धोऊंगी बर्तन। तो बस सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैं यहाँ पे डाल लूंगी। और जीना भी मुझे धोना है, एक दो दिन में देखती हूँ मैं जीने की धुलाई करूंगी तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। कपड़े इस पे रखे थे दरवाजे पे, तो ये हटा दूंगी मैं क्योंकि सफाई होने के बाद मुझे कोई भी कपड़ा दरवाजे पे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये तौलिया भी मैं बाहर डाल दूंगी, अब मेरी सफाई अच्छे से हो गई है। प्रॉपर जगह पे चीजें रखी हो तभी अच्छा लगता है, तो सफाई करने के बाद कोई भी चीज इधर उधर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने दरवाजे पे से भी कपड़े हटा दिए और तौलिया मैं बाहर डाल दूंगी। अभी मुझे बस करनी है डस्टिंग, तो मैं कपड़ा लेके आई थी और गुड्डू का ये मास्क गिरा हुआ था तो वो मैंने रख दिया। ये भी धोने के है सारे, तो बस ये धोने हैं मुझे। और ये जो डस्टिंग का कपड़ा मैं लेके आई थी तो कम गिला था ये, वैसे धोके मैंने रात को। गीले कपड़े से मैं डस्टिंग नहीं करती क्योंकि सामान की पॉलिश उतरने का डर होता है ना, तो सूखे कपड़े से ही करती हूँ मैं। तो बस ये मैंने साफ कर दिया और इस पे एक टॉवल भी छा रखा तो वो भी मुझे धोना पड़ेगा निकाल के। और अभी दोपहर में खाने के लिए बस मुझे चावल बनाने हैं जो दोपहर का लंच होगा मेरा, क्योंकि मैंने रात को चावल नहीं बनाए थे ना, तो फिर मैंने सोचा कल दिन में बना लूंगी दोपहर में। तो अभी दोपहर का जो लंच बनाऊंगी तो चावल बनाऊंगी और थोड़ी सी रोटी। और पंखा चलाया मैंने क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, काम करने के बाद तो अब गर्मी लगती है, पंखे की हल्की सी जरूरत पड़ती है, तो पंखा चला लिया। अब थोड़ी देर बैठूंगी बस, बाद में पोछा लगाऊंगी। तो बस सुबह का जो मेरा काम था वो मेरा फिनिश हो गया, अभी रहता है मेरा पोछा तो वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो थोड़ी देर टीवी देखूंगी क्योंकि बहुत देर से मैं लगी हुई थी, 1.5-2 घंटा हो गया मुझे लगातार। नाश्ता बनाने के बाद मैं लग गई थी झाड़ू में और फिर झाड़ू लगाई, सारी डस्टिंग वगैरह की, तो फिर मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं, गर्मी बहुत लग रही थी, पंखा चला लिया मैंने। तो अब तो गर्मी के दिन है ना वैसे भी बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, और मई जून में तो अप्रैल मई में, तो अप्रैल मई में आलस का महीना सा लगता है, आलस से के दिन होते हैं ये। तो चलिए फिर, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छी सी वीडियो के साथ।